नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जनपद संभल के जिला मुख्यालय बहजोई पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार के विरुद्ध प्रदेशव्यापी किया धरना प्रदर्शन। भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया। प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार हो रही घटनाएं। संभल जिले के बहलोई जिले में जिलाधिकारी कार्यालय के निकट समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भाजपा सरकार की नीति के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बताया कि भाजपा सरकार अपनी मनमानी कर रही है। हमें कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता के झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिनको दोषी केवल भाजपा सरकार है। 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन चला। उन किसानों के लिए कर रही है, उन बहन बेटियों के लिए कर रही है, क्योंकि उन सब के लिए आपने देखा होगा उन्नाव का केस। अभी बता रहे थे मेरे भाई कि उन्नाव के केस में आप सब टीवी पे, अखबारों में देख रहे हैं। किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि 4 साल बेटी जो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, अपने स्कूल को नहीं जा पा रही है, आंगन से बाहर खेल नहीं पा रही है। कितने दरिंदे पैदा हो गए हैं बीजेपी सरकार में, क्योंकि समाजवादी पार्टी में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो बीजेपी सरकार में हो रहा है कि छोटी छोटी लड़कियां बाहर खेलने भी और स्कूल भी नहीं जा पा रही, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो धरना प्रदर्शन जो हो रहा है हमारा अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए हो रहा है, उस जनता के लिए हो रहा है। हमारी समाजवादी पार्टी ने ऐसा कभी भी कोई कदम नहीं उठाया। अगर कोई भी नेता गलत काम कर रहा है तो तुरंत उसे पार्टी से बाहर निकालने का काम किया है, क्योंकि आपने देखा होगा चंदौसी विधानसभा की बात ले लीजिए, मोदी जी और क्या कहते हैं योगी जी तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। चंदौसी विधानसभा में कौन सा कार्य नया हुआ है? एक बंदा एक उठा के हाथ दिखा दीजिए, कौन सी न्यू सड़क पड़ी है, कौन सा डिग्री कॉलेज खुला है, कौन सा इंटर कॉलेज खुला है, कौन सी पानी की टंकियां हुई हैं, कौन सा कार्य नया हुआ है। सिर्फ पैसों के, क्योंकि खबर सभी लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। राशन डीलर हमसे फोन करके कहते हैं, जिलाध्यक्ष जी से कहते हैं, माननीय मंत्री जी से कहते हैं कि साहब 1 लाख रुपए महीना जा रहा है। विधायक जी आपका कार्यकाल बहुत अच्छा था। इतना लूट घोसोट हो रही है चनौसी विधानसभा। उत्तर प्रदेश तो बहुत दूर की बात है, मैं तो छोटे से चनौसी विधानसभा की बात बता रही हूँ। अड्डा बने हुए हैं, सबके अड्डे, पुलिस के अड्डे अलग हैं, सबके अड्डे बने हैं कि भैया इतना दे जा और इतना ले जा। कोई उन्हें विकास से कोई कार्य करने की कोई भी वो नहीं है कि कहाँ कोई बच्चा बीमार पड़ा है हॉस्पिटल में, कि कोई सड़क टूटी पड़ी है गाँव में, कोई बीमार है, कोई भी लेन देन नहीं है। सिर्फ पैसे का मूल्य है, पैसा दे जाओ।